वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा नाम किरतवी सिंह है, मैं 6वीं जमात पढ़ता हाँ। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 275 है ते मेरा अज का विषय है चढ़दी कला। किसी को 2000 दे सौ नोट हैं जां 1 किलो सोना है जां बहुत ही कीमती वस्तु है, कि वो हमेशा खुश रह सकता है ना? की चीज गुरु जी ने सानू बख्शी है, ओ केड़ा वर्ड गुरमानी च सानू दस्या है, जेड़ा आपा घट्टो घट दो वारी दिन च जरूर बोलते हैं, जेड़ा सानू खुश रहने का हुक्म दिंदा है, ओ वर्ड है नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला, सब तू कीमती खजाना सोचांगे चढ़दी कला होवेगी चढ़दी कला। यही मेरा अद्धा टॉपिक है, केड़ी केड़ी बाणी जो नितनेम चांदी है, जिन्ना जेड़ा गुरु साहिब जी ने सानू एग्जाम्पल बना के दस्या है कि चाहे जा खुशी होए जा दुख सानू हमेशा खुश रहना है, जहाँ खुशी होए जा दुख सानू हमेशा खुश रहना है। ओ बाणी का नाम है अनंत साहब, जहाँ जन्म होए जा मरण अनंत साहब का पाठ जरूर हुंदा है, ते बाद ही देग दा प्रसाद मिठा ओ भी जरूर हुंदा है, क्योंकि गुरु साहब ने कहा अपने मन नू अटोल रखना है। जपजी साहब विच भी एक दुख चार बारी गुरु साहब जी ने बोल के कहा है, गुरु साहब जी ने हुक्म दिता है कि खुश रहना है, खुश रहना है, जब तक असी खुश नहीं रहते तब तक असी भगत नहीं बन सकते। एवें ही गुरु साहब जी ने फरमाया है, नानक भक्ता सदा विगास सुनिए दुख पाप का नाश। भक्तां दी खुश भक्ता हमेशा खुश रहते हैं, उन्होंने भावें जिहड़ी मर्जी मुश्किल आए वह हमेशा खुश रहती है, क्योंकि मुश्किल सानू मजबूत बनाउंदियां, साडा विकास करदियां। किवें विकास करते हैं? मुश्किल जिहड़ी मुश्किल सानू पहली बारी आती है उससे आप घबराउंदे हाँ जां डर लगता है सानू, जिवें आप उसका हल लभ लैंदे आ ते फिर वह सानू मुश्किल मुश्किल नहीं लग जाती। एवं मैं तुहानू इहदा एग्जाम्पल दे दिंदा हां, जिवें क्लास सानू मैथ दा एग्जाम है, सानू समझ नहीं आ रहा, पहली बार ही समझिया लिखन लग गए आंसर थोड़ा बहुत लभ्या ठीक है, आंसर निकलिया नहीं, दूसरी बार लभ्या निकल गया सानू, लेकिन घट टाइम लग्या तो आप घट घबराए, तीसरी बार पता ही है यह आंसर है, एवें करना सानू फॉर्मूला पता है तो आप तीसरी बार कर लिया, एवें ही साडा मुश्किल विकास कर देंदी है। मुश्किल इन्नी ताकतवर नहीं जिन्ना असी समझ लैंदे हाँ, क्योंकि मुश्किल इन्ना ताकतवर नहीं जिन्ना असी समझ लैंदे हाँ। कभी इंज होया हनेरे ने सवेर ना हो दिती होवे, कभी इंज होया हनेरे ने सवेर ना हो दिती होवे, जेड़े लोग भक्ति नहीं करते उन्होंने वास्ते मुश्किल वड्डिया हो जाए तो वह मुश कहते हैं ओ प्रॉब्लम ओ गॉड आई हैव अ बिग प्रॉब्लम, तो जड़े लोग भक्ति करते हैं वाहगुरु जी नूं जपते हैं उन्होंने वास्ते मुश्किल छोटी हो जाती हैं, तो वह कहते हैं ओ प्रॉब्लम आई हैव अ बिग गॉड, उन्होंने सोल्यूशन मिल जाता है, वो कहते ओ प्रॉब्लम आई हैव अ बिग गॉड। चढ़दी कला हूँ मैं तुम्हें पुछता हूँ तुम्हें दसा चढ़दी कला साढ़े अंदर किवें आएगी, चढ़दी कला साढ़े अंदर नाम नाल आएगी, क्योंकि गुरु साहब कहते हैं नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। चढ़दी कला नाम ते नाम ते बाणी नाल आएगी साढ़े अंदर, ते पाठ आपां किवें करना है ते पाठ करके हमेशा अपने मन नूं पुछिए कि आपां की पढ़ रहे हैं, कि आपां की पढ़ रहे हैं, आपां सानूं बाणी नूं प्यार नाल पढ़ना चाहिए समझना चाहिए कि आपां सानूं बाणी की कह रही है, जो खुद गुरु साहब बाणी च कह रहे हैं वो सानूं मनना चाहिए है, गुरु साहब बाणी च कह रहे हैं गुरु साहब ने बहुत कुछ कहा बाणी सानूं मनना चाहिए, आपां कोई भी एक तुक लैंदे ना बाणी उहदे च ही गुरु साहब सानूं बहुत कुछ समझा दिंदे हन, एक तुक लिती उहदे बहुत कुछ समझ आता सानूं गुरु साहब जी ने, सानू चढ़दी कला नाम नाल मिल गई, नानक नाम चढ़दी कला, चढ़दी कला सानू नाम नाल मिल गई तेरे पाने सर।
ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।